बोल रहे हैं कि आपको ऐसा पीएच चूज करना है जिसमें दो पीएच बॉन्ड हो ईच ऑक्सो एसिड में, ठीक है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और पाइरोफॉस्फोरस एसिड, इसमें पी के साथ एच के दो बॉन्ड होते हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको H3PO2 या हाइपोफॉस्फोरस एसिड की। तो जब भी आप ऑक्सो एसिड बनाते हो ना, तो पी के साथ एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो गई कंपल्सरी है ये वाला बॉन्ड, इस तरह का एक बॉन्ड भी कंपलसरी है। तो कितने बचे आपके पास, ऑक्सीजन के दो हो गए पूरे कंप्लीट, एच का एक हो गया ये, अब बचे दो, तो वो किसके साथ जुड़े होंगे, पी के साथ डायरेक्ट। तो कितने हो गए, दो एच बॉन्ड हो गए, ये एक ऑप्शन करेक्ट है। इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं पाइरोफॉस्फोरस एसिड को। पाइरोफॉस्फोरस एसिड में एक डबल बॉन्ड बना दो पहले ऑक्सीजन के साथ, एक OH जोड़ दो पहले से ही, अब कितने बचे, एक तो ब्रिज के दोनों आपस में अटैच होंगे पीपी के साथ ऑक्सीजन के थ्रू, और एक एक बॉन्ड जो है वो एच के साथ डायरेक्ट जुड़ा होगा फॉस्फोरस का। तो ये ऑप्शन सही हो गया। और मैं आपको और चेक करना बताती हूँ, मान लीजिए एग्जाम में आपको याद नहीं रहे तो आप सारे चेक करोगे, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये तो यही सेम ही है, पाइरोफॉस्फोरस एसिड है, इसको चेक कर लेते हैं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, इसको और इसको चेक करके बताती हूँ, ठीक है? H4P2O6 को चेक कर लेते हैं, ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस एसिड, इन दोनों को चेक करके अभी मैं आपको सामने बताती हूँ। देखो P2 है, तो P2 तो एक मैंने आपको बोला कि कंपलसरी है, ये तो जरूर ऑक्सीजन का कंपलसरी बनाना ही बनाना है, एक ये भी कंपलसरी है, एक एक तो दोनों के साथ होगा ही होगा, ठीक है? अब क्या बचा, कितने बचे, ऑक्सीजन के चार हो गए, हाइड्रोजन के दो हो गए, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन बचे, तो वो भी इस तरह से ही जुड़े होंगे। ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की। तो इसमें तो बच्चों एच पी के साथ एच का एक भी बॉन्ड नहीं है, है ना? तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और एच थ्री फॉस्फोरस एसिड में बताती हूँ स्ट्रक्चर बना के, पी के साथ एक डबल बॉन्ड ओ होगा ही होगा, एक ओ एच होगा ही होगा, कितने हो गए, ओ के दो हो गए और एच के एक हुआ है एच का, तो दो एक एच और एक ओ एच और, ठीक है? तो हो गया अभी पूरा 1, 2, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, और ठीक है ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, सॉरी फॉस्फोरस एसिड है, सिर्फ ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना के चेक कर सकते हो कि उसमें कैसे बॉन्ड जुड़े हुए हैं।